नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम दी ग्रेटनेस गाइड के समरी और रिव्यू पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मिस्टर रॉबिन शर्मा हैं, जिन्होंने दी मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी और दी लीडर हैड नो टाइटल जैसी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। दी ग्रेटनेस गाइड एक ऐसी शक्तिशाली किताब है जो हमें जीवन के हर स्तर पर विश्व स्तरीय महानता हासिल करने में मदद करती है। यह किताब हमें ऐसे सिद्ध सिद्धांतों के बारे में बताती है जिसकी मदद से हम अपने प्रतिभाओं को पहचान कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे सफल लोगों के उन आचरण और विचारों को जो हमें जीवन में सफल और सार्थक बनाएंगे। हम जानेंगे समस्याओं के सामना के लिए क्रांतिकारी उपाय और रणनीतियों के बारे में। आज हम इस किताब से उन 51 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बारी बारी से जानेंगे जो वाकई में हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदल देगा। तो अब आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, और दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। पहला सिद्धांत, हर किसी के जीवन में कुछ अच्छे पल भी हैं और दुखद प्रसंग भी। हर कोई अपने जीवन में बेहद खराब गलतियां करता है और अच्छे निर्णय भी लेता है। हमें बस हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, हर नया दिन हमारे जीवन में आशाओं की एक नई खिड़की खोलता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह लेते हैं, और उस पर ही हमारा भविष्य निर्भर होता है। तीसरा सिद्धांत, हमें सफल होने के बाद दूसरों के प्रति और भी अधिक विनम्र और समर्पित हो जाना चाहिए। चौथा सिद्धांत, ध्यान रहे कोई भी बड़ा काम करने के लिए हमें बड़े खिताब की जरूरत नहीं होती है। पांचवा सिद्धांत, जिस तरह हम अपना जीवन बनाते हैं उसी तरह अपना जीवन जीते भी हैं। छठवां सिद्धांत, जिनका हम सम्मान करते हैं उनकी किताब पढ़कर उनके बारे में जानकर बहुत आसानी से उनकी प्रतिभा के साथ जुड़ सकते हैं। सातवां सिद्धांत, हमारे जीवन में वास्तविक जोखिम तब होता है जब हम बिना जोखिम के जिंदगी जी रहे होते हैं। आठवां सिद्धांत, जो बनने का सपना हमने देख लिया है, यकीन मानिए उसे बनने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। नौवां सिद्धांत, हम जब तक खुद को महान महसूस नहीं करेंगे तब तक हम महान काम भी नहीं कर पाएंगे। दसवां सिद्धांत, अभी इसी वक्त एक कागज का टुकड़ा लीजिए और कम से कम उन 101 कामों की सूची बनाएं जो निश्चित तौर पर हम मरने से पहले करना चाहते हैं। ग्यारहवां सिद्धांत, सकारात्मक सूत्रों के वजह से हम नए तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे हमको जीवन में नई संभावनाएं नजर आती हैं और ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं किए होते हैं। बारहवां सिद्धांत, हमें यह मिथ्या भूल जानी चाहिए कि लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जिन्हें वो चाहते हैं और जो उन्हें अच्छे लगते हैं। तेरहवां सिद्धांत, हम में से बहुत सारे लोग खुद से डरते हैं और यही डर हमें अपने सपनों को भूलकर भीड़ का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। चौदहवां सिद्धांत, जब हम उन कामों को करते हैं जिसे करना हम पसंद करते हैं और जो हमारे दिल से जुड़ा होता है, उस वक्त हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। पंद्रहवां सिद्धांत, याद रखिए कि भाग्यशाली बनने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। हमें हमेशा अपने प्रदर्शन अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर रखने होंगे। सोलहवां सिद्धांत, महान बनने के लिए केंद्रित लक्ष्य, समय प्रबंधन और दैनिक सुधार को अपने जीवन में शामिल करना ही होगा, और जब हम इन सूत्र को गंभीरता से समझ लेंगे उस दिन हम महान बन जाएंगे। सत्रहवां सिद्धांत, किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए उसकी बातें ध्यान से सुनना सबसे सर्वोत्तम उपाय है। अठारहवां सिद्धांत, हम तभी जाग सकते हैं जब हमारी भावनाएं जागृत होती हैं। उन्नीसवां सिद्धांत, हमें हर बार हर बात के लिए हर किसी को हाँ कहने की जरूरत नहीं है, और हम इसके लिए बाध्य भी नहीं है। हमें ना बोलने की कला को सीखना बहुत जरूरी है। बीसवां सिद्धांत, चुनौतियां बहुत खूबसूरती से और सबसे प्रतिभाशाली स्वरूप में हमारा परिचय देने का काम करती हैं। हमें इनका स्वागत तहे दिल से करना चाहिए। इक्कीसवां सिद्धांत, अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ रोचक घटित नहीं हो रहा है तो हमें हमारे लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने का सही समय आ गया है। बाईसवां सिद्धांत, याद रखें कि हर महान व्यक्ति, चाहे वो नेता हो या अभिनेता, या फिर कोई भी महान विचारक हो या फिर वक्ता, शुरुआत में उन पर हर कोई हंसा है, तभी आज वो पूजनीय और चर्चित हस्ती हैं। 23वां सिद्धांत, नेता वह नहीं है जो लोकप्रिय है या जिसे पसंद किया जाता है, बल्कि नेता वो होता है जो सही काम जिम्मेदारी के साथ करता है। 24वां सिद्धांत, हम इस संसार में हमारे मकसद को जानकर उसे पूरा करने के लिए आए हैं, उन कारणों का पता लगाने आए हैं जो हमारी आवश्यक नियति है और जो हमें हमारे गहराई के स्तर तक ले जाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जो सुबह से पहली किरण के साथ हमारे अंदर एक आग, एक जोश उत्पन्न करती है।
25वां सिद्धांत, हमारी सबसे स्थायी प्रतिस्पर्धा ही स्वयं को लाभ दिलाने वाली नेतृत्व की संस्कृति को विकसित करना है। 26वां सिद्धांत, हमें अपने डर से अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को दूर रखने की जरूरत है और उन्हें निरंतर यह सिखाने की जरूरत है कि क्या संभव है। 27वां सिद्धांत, ध्यान रहे, अच्छे खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका निरंतर अभ्यास ही उन्हें शीर्ष चोटी पर पहुंचा सकता है। 28वां सिद्धांत, प्रसन्नता के साथ जीने के लिए सारी हदें पार कर ऊर्जावान बने और उत्तेजित होकर जीवन जिए। 29वां सिद्धांत, हमारे अजीब दुनिया की यह विडंबना ही है, हम जितनी तेजी से एक दूसरे के साथ आणविक रूप से जुड़ते जा रहे हैं उतनी ही तेजी से हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। कड़वा है मगर सत्य है। 30वां सिद्धांत, एक असाधारण चरित्र दूसरों से अलग उस समय बनता है जब हम अपने जीवन में आए कठिन दौर और परिस्थितियों का सामना करके बाहर निकलते हैं। 31वां सिद्धांत, अभी इसी वक्त एक पल रुककर अपने जीवन में आए ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्हें हम दिल में बैठाना चाहते हैं, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है और जिनकी मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। 32वां सिद्धांत, हर दिन सुबह उठने पर खुद से पूछें कि अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं इसे किस तरह बिता सकता हूं, और सही जवाब मिलने पर उस दिन को वैसे ही बिताएं। 33वां सिद्धांत, ध्यान रहे, सिर्फ मरे हुए लोगों को ही समस्याएं नहीं होती हैं। 34वां सिद्धांत, बढ़ती उम्र को रोकने का एक ही तरीका है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता है, उसे सीखना कहते हैं। 35वां सिद्धांत, कल जो व्यक्ति था जरूरी नहीं वो आज भी वही रहे, यह एक भ्रम है जो जीवन के अंत में हमारा दिल तोड़ता है। 36वां सिद्धांत, आनंद बाहर की कुछ चीजों से मिलता है तो खुशी भीतर से होती है। 37वां सिद्धांत, अगर हम युवावस्था में ही किसी बूढ़े व्यक्ति जितना अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समय सीमा को तोड़ना होगा। 38वां सिद्धांत, जीवन के अंत में एक करोड़पति को भी एक कचरा साफ करने वाले के बगल में ही दफनाया या जलाया जाता है, जीवन मिट्टी बनकर मिल जाता है, इसलिए कुछ मजा करें और जिंदगी खुलकर जिए। 39वां सिद्धांत, जब हम मृत्युशैया पर होते हैं उस समय हमें सबसे बड़ा अफसोस उस बात का होता है कि हम सारी उम्र चिंतनशील नहीं थे बल्कि चिंतित थे। 40वां सिद्धांत, अच्छी सेहत एक सशक्त व्यक्ति के सर पर ताज जैसे दिखती है और वह ताज सिर्फ उन्हें ही नजर आता है जो बीमार है। 41वां सिद्धांत, श्रेष्ठता वही आती है जो अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भले ही वो काम कितना भी अच्छा क्यों न दिखता हो। 42वां सिद्धांत, सीख और विश्व स्तरीय कौशल के लिए निवेश करना जीवन का सबसे श्रेष्ठ निवेश है, आजमा कर देख लीजिए। 43वां सिद्धांत, अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन के लिए लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए साहसिक खेल खेलने जैसा है। लक्ष्य को निर्धारित करना एक बहादुरी का काम है क्योंकि हम अपनी उस क्षमता तक पहुंच रहे होते हैं जो हमारे अंदर ठूस ठूस कर भरी हुई होती है। 44वां सिद्धांत, याद रखें, जो हम ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं उसे देते रहें, आजमा कर देख लीजिए। 45वां सिद्धांत, अच्छा काम करें और पीछे ऐसी छाप छोड़ दें कि समय भी उसे मिटा ना सके। 46वां सिद्धांत, अच्छी बातों से खुद को पुरस्कृत करने के लिए अपने गहरे और उच्चतम भाग को संदेश भेजें कि हम उसके लायक हैं और पात्र भी हैं। 47वां सिद्धांत, जो चीजें जीवन से हटाना जरूरी है उसे तुरंत हटा दें, इसके बाद हम खुद को हल्का महसूस करेंगे, खुश हो जाएंगे और मन में बेहद शांति का अनुभव करेंगे। 48वां सिद्धांत, ध्यान रहे, बड़ी सोच यह है कि एक बार हम जो वक्त गंवाते हैं वह फिर नहीं आता है। 49वां सिद्धांत, एवरेस्ट की चोटी पर हम छलांग लगाकर नहीं पहुंच सकते हैं, चोटी पर पहुंचने के लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी चढ़नी होगी, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हुए ही हम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, संयम रखें। 50वां सिद्धांत, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारा अच्छा व्यवहार एक असाधारण और अतुलनीय इंसान बनने की ओर पहला कदम होता है। 51वां सिद्धांत, जीवन बड़े सपने देखने वाले और आवेश पूर्ण क्रांतिकारियों की कठिन परीक्षा लेता है, क्योंकि परीक्षा जितनी ज्यादा कठिन होगी परिणाम उतना ही ज्यादा बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, हमारी समरी यहां खत्म होती है, अब बढ़ते हैं रिव्यू सेशन की ओर। बात करें बुक के कवर की तो यह साधारण है, महान लोगों के अलग अलग अनुभवों का निचोड़ इस किताब को बेहतरीन और सार्थक बनाता है। यह किताब वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने का तरीका बताती है। यदि आप एक एवरेज रीडर हैं तो इसे 3-4 दिन में पढ़कर समझ सकते हैं।
आप यह बुक Amazon या Flipkart से खरीद सकते हैं। अगर आपको यह समरी और रिव्यू पसंद आया तो रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि और कौन सी बुक, मूवी या कहानी के बारे में आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।